मुंबई में 80 मिनट का सफर 20 मिनट में होगा पूरा, जाने गोरेगांव व मुलुंड लिंक रोड का कितना हुआ काम। पश्चिम और पूर्व उपनगर को जोड़ने के लिए बन रहे गोरेगांव व मुलुंड लिंक रोड के काम को अब गति मिलने की उम्मीद है। बीएमसी ने फिल्म सिटी गोरेगांव से मुलुंड के खिंडीपाड़ा तक बनने वाली अंडरग्राउंड ट्विन टनल के काम को गति देने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने का फैसला किया है। यह संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से जाएगी। इस करीब 5 किलोमीटर लंबी टनल को 60 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सांताक्रूज चेंबूर अंधेरी घाट कोपर जोगेश्वरी विक्रोली 3 लिंक रोड हैं, जो मुंबई के पूर्व और पश्चिम उपनगरों को जोड़ते हैं। लेकिन दोनों उपनगरों में बढ़ती जनसंख्या, सड़कों की घटती परिवहन क्षमता और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए बीएमसी ने चौथे वैकल्पिक गोरेगांव व मुलुंड लिंक रोड बनाने का काम शुरू किया है। गोरेगांव व मुलुंड लिंक रोड 12.20 किलोमीटर का होगा, जिसके बनने से एक घंटे का सफर 20 मिनट में तय होगा। 4 चरणों वाले इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में गोरेगांव के फिल्म सिटी से मुलुंड के खिंडीपाड़ा तक ट्विन टनल बनाई जाएगी। 3-3 लेन वाली इन जुड़वा सुरंगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर मंगाए गए हैं। 5 साल में टनल बनने की उम्मीद है, जिसके लिए बीएमसी प्रशासन ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त करने का फैसला किया है। एक अधिकारी के अनुसार जंगल और पहाड़ के नीचे से सुरंग जाएगी। आपातकाल में बचाव के लिए 300 मीटर पर होल पैसेज बनाया जाएगा। टनल की लागत 6,301 करोड़ रुपए आकी गई है। नेशनल पार्क के पास 4.7 किलोमीटर टनल होगी। इसी तरह गोरेगांव फिल्म सिटी में टनल सहित 1.6 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सड़क बनेगी। सड़क के नीचे पानी की पाइपलाइन, यूटिलिटी सहित अन्य सर्विस लाइन है। टनल संजय गांधी नेशनल पार्क के पास है, इसलिए यहां विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए बीएमसी ने यहां खुदाई टनल बोरिंग मशीन से करने का निर्णय लिया है।